अब हमने यहाँ चीज और होती है कि हमने पिवट बना लिया, हमने डिजाइन में जाके फॉर्मेटिंग ले लिया या नॉर्मल फॉर्मेटिंग कर लिया। अब यहाँ पे बारी आती है कि इसके विजुलाइजेशन भी दिखाएं, मतलब इसका चार्ट्स वगैरह भी हम इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। तो आप जब पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो पिवट टेबल एनालाइज के अंदर आपको पिवट चार्ट दिखेगा। पिवट चार्ट पे जाके यहाँ पे आप अपने हिसाब से चार्ट ले सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पिवट टेबल से कनेक्टेड चार्ट जो है, जरूरी नहीं है कि पिवट टेबल एनालाइज से पिवट चार्ट से हमें ले, हम इंसर्ट के अंदर नॉर्मल चार्ट जो हम इंसर्ट करते हैं, अगर पिवट पे क्लिक करके हम नॉर्मल चार्ट भी इंसर्ट कर देते हैं तो वो चार्ट भी पार्ट ऑफ पिवट होता है आपका, ठीक है। तो यहां से आपने चार्ट को सेलेक्ट कर ले। अब इसमें इसकी भी चार्ट की जो फॉर्मेटिंग है हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, राइट क्लिक करके सीधे हम चल जाते हैं यहां पे चेंज चार्ट टाइप पे, और नहीं चेंज चार्ट टाइप नहीं होता, राइट क्लिक करके हम चले आते हैं पिवट टेबल ऑप्शन पे, फॉर्मेट चार्ट एरिया पे आएंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से जो फॉर्मेटिंग करना है कर सकते हैं। ऊपर में चार्ट के डिजाइंस हैं, डिजाइंस को जो डिजाइन चाहिए, चार्ट की एक अलग डिजाइन है, चार्ट सेलेक्ट करेंगे तो चार्ट की एक अलग फॉर्मेट आएगा। अब यहाँ से चार्ट के फॉर्मेट, चार्ट का डिजाइन आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए।